नमस्कार दोस्तों, दीपावली के समय बनारस में अगर आपको पटाखा नहीं मिल रहा है आपके आसपास के दुकानों में, तो आज की वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं जहां पर पटाखों का मेला लगा हुआ है, पटाखों की दुकानों का। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, आपको पूरा डिटेल में हम दिखाएंगे। तो इस वक्त देखिए हम लोग आपका शिवपुर के मिनी स्टेडियम में है। ये देखिए यहीं पर आपका जो है पटाखों का पूरा मेला लगा हुआ है, एक लाइन से एकदम दुकानें लगी हुई हैं। अरे देखिए तो 50 के करीब तो दुकान होंगी होंगी और सब में पटाखे अभी खूब सारे भरे हुए हैं। अभी देखिए दोपहर के समय में भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, शाम के समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो देखिए तो एकदम ऑथोराइज है पटाखा बिक्री के लिए। तो शहर में देखिए तो जगह जगह दुकानों पर पटाखा नहीं मिल रहा है अभी, तो उसी को देखते हुए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको देखिए तो एक पूरा एक ये जगह चिन्हित किया गया है शिवपुर, जो इधर के क्षेत्र है यहाँ पे देखिए शिवपुर में ही ये जो स्टेडियम है यहीं पर आपको हर पटाखे की दुकान आपको मिल जाएगी। इसमें हर तरह के पटाखे आपको मिल जाएंगे, बच्चों के लिए फुलझड़ी से लेकर के मिर्ची बम, माचिस बम, और आपके जो बुलेट बम हो गया, हाइड्रोजन बम, तरह तरह के बम, जो बम आपको चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, जितना बड़ा अनार चाहिए, जितना बड़ा चरखी चाहिए, फुलझड़ी में भी तरह तरह की वैरायटी होगी, टॉर्च लाइट हो गई, और नए नए पटाखे भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं और जो कीमत है वो भी आपको रिजनेबली कम मतलब मिल जाएगी। आप मोल भाव अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था दुकान पर बहुत लोग को कम में भी ले रहे थे और कुछ लोगों को उससे थोड़ा ज़्यादा भी पे करना पड़ रहा था। तो आपके मोल भाव के ऊपर आप कितना मोल भाव कर सकते हैं। देखिए शुभम फायर वर्क, 50 के करीब दुकानें होंगी और पूरा जो स्टेडियम है उसके चारों तरफ से दुकानें ये लगी हुई हैं। ये देखिए, तो अगर आप शिवपुर के आसपास है, भोजीपुर हो गया, अर्दली बाज़ार, और आपको पटाखे की दुकान नहीं मिली, क्योंकि कल मैं खोज रहा था इसलिए मुझे लगा कि समस्या है, पटाखे की दुकान दिख नहीं रही है, कहीं बाहर कोई बेचेगा नहीं, अगर अंदर कोई बेच रहा हो तो उसकी बात अलग है दुकान में छिपा करके। तो ये शिवपुर स्टेडियम में आप आ सकते हैं और अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीद सकते हैं और आतिशबाजी के लिए लुत्फ़ उठा सकते हैं दीपावली के टाइम पे। देखिए देख रहे हैं ये पूरा देखिए मैदान के चारों तरफ ये दुकानें लगी हुई हैं। तो आज का दोस्तों वीडियो बस एकदम छोटा ही रखने वाला हूँ, और अगर पटाखों की कीमत के बारे में आपको जानकारी हो तो आप जाकर पता करें तो ही सही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।